और शहर के कूड़े की बात करें, शहर में कचरे के ढेर हैं। टाउनशिप ब्लॉक 5 में कचरा इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं अनाशिया पाशा से। अनाशिया बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर भर में कचरा ताहाल मौजूद है। लाहौर शहर गलाजत की नज़र हो चुका है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में ताहाल कचरा मौजूद है। इस वक्त मैं टाउनशिप में मौजूद हूँ और यहाँ भी कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इस कचरे के ढेर के साथ पार्क मौजूद हैं जहाँ बच्चे लड़के क्रिकेट वगैरह भी खेलने आते हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कब से ये कचरा मौजूद है? असल में ये कचरा जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है और ये 1 साल हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है और उसके बाद जो है ये हाल शुरू हो गया है। यहाँ की इंतज़ामिया इतनी की ढीली है, ये एक एक हफ़्ता 10-10 दिन यहाँ पे पड़े रहते हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। और अहले मोहल्ला जाते भी हैं तो वो एक ट्रक आता है, वो जितना उठा सकता है उठा के ले जाता है, बाकी वो छोड़ जाता है। यहाँ पे बच्चे ये सामने पार्क देख रहे हैं, ये सामने फ़िल्टर लगा हुआ है आपके पीछे, ठीक है। यहाँ मैं पानी भरने आया हूँ, इतनी की स्मेल आती है, इतने जरासीम हैं यहाँ पे, इंतहा के ज़्यादा गलीजगी है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। जी आप बताइएगा, आप यहाँ खेलने के लिए आते हैं, कितनी मुश्किलात होती हैं? यहाँ पे हम लोग खेलने आते हैं, ये देखें यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, स्मेल इतनी आती है जिसकी वजह से हम फैमिलीज़ आती थी शाम को पार्क में खेलने के लिए, जिसकी वजह से फैमिलीज़ नहीं आ पाती। बच्चे छोटे छोटे, ये देखें सारे बच्चे खेलने के लिए आए हुए, स्मेल आ रही है, वो देखें हर जगह पार्क के अंदर तक लोगों ने कूड़ा फेंका हुआ, आते नहीं है। आपके सामने कितनी गंदगी गलाजत है, ट्यूबवेल में लोग वीरान पड़ा है पानी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, सड़कें नहीं बनी हुई हमारी, कुछ भी नहीं है इधर। जी बिल्कुल, कचरे की वजह से जरासीम है और जरासीम की वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं। साथ साथ आपको बताऊं कि ताफुन की वजह से जो रिहायशी हैं उनका यहां से गुजरना भी महाल हो चुका है और बच्चों का पार्क में खेलना भी मुश्किल है। आपको बताऊं कि इलाका मकीन का कहना है कि बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन जो है वो नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये कचरा यहाँ एक अरसे से मौजूद है। बहुत शुक्रिया नाशिया, आपने हमें अपडेट किया। दीगर खबरें एक ब्रेक के बाद।